गिरफ्तार कुख्यात नक्सली के पास से एक अत्याधुनिक AK-57 राइफल, भारी मात्रा में डेटोनेटर और 97 पीस जिंदा कारतूस के अलावे नक्सली साहित्य और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार कुख्यात नक्सलियों पर झारखंड में 50 लाख और बिहार में 10 लाख का इनाम रखा गया था। बिहार और झारखंड के दर्जनों जिलों में कई मामले दर्ज है। औरंगाबाद के पास नक्सली हमले में शहीद हुए 7 जवान कांड में भी गिरफ्तार नक्सलियों की संलिप्तता थी। गया के SSP हरप्रीत कौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुख्यात नक्सलियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। विदित हो कि बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में बिहार पुलिस CRPF और सीमा सशस्त्र बल के संयुक्त ऑपरेशन में गया पुलिस को इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि गिरफ्तार कुख्यात नक्सलियों की निशानदेही पर किसी बड़े सुराग मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। कल सूचना मिला था कि एक बहुत ही जो है कुख्यात नक्सली और वांटेड और इनामी नक्सली के यहाँ पे गया जिला अंतर्गत दनगई थाना अंतर्गत होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जिसके चलते कमांडेंट 29 बटालियन श्री HK गुप्ता के नेतृत्व में इन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया, जिसमें डिप्टी कमांडेंट अमोद कुमार थे, असिस्टेंट कमांडेंट रामवीर थे, असिस्टेंट कमांडेंट रवि कुमार और बाकी SSB के अन्य जवान थे और गया जिला बल के लोग थे। तो ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो ये पता चला कि एक जो नक्सली अभिजीत यादव उर्फ बनवारी यादव उर्फ महावीर यादव, ये अपने एक स्पोटर के साथ एक गांव है दुवारी, वहां पे जंगलों में इनके होने की सूचना मिली। तो उसी में ये वहां पे सर्च अभियान चला तो वहां पे इसको जंगल में इसकी गिरफ्तारी हुई है। आज मॉर्निंग में इसके पास से एक AK-56 बरामद हुआ है और 97 लाइव राउंड्स बरामद हुए हैं, 5 डेटोनेटर्स मिले हैं, 5 सिम मिले हैं, 1 मोबाइल मिला है और एक लेवी लेने वाला जो लेवी ये लेते थे, एक बुक भी मिला, एक बैग है इनका पाउच जिसमें लोग हथियार रखते हैं। तो ये बहुत ही काफ़ी टाइम से इसको इसकी तलाश थी, गया पुलिस को, औरंगाबाद को, चतरा और पुलामो पुलिस को। तो ये बहुत सारे भी मैं दूंगी आपको जो लिस्ट है, ये इसके ऊपर झारखंड में 10 लाख का इनाम है और बिहार में 50,000 का इनाम इस पे डिक्लेयर्ड है। इसका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। ये 2009 में एक्टिव हुआ था, इस जो है जो माओइस्ट है उनके साथ ये जुड़ा था, पहले तो कैडर था, तो धीरे धीरे इसका जो है रैंक बढ़ता गया तो ये सब जोनल कमांडर तक पहुंचा और अभी ये नवंबर 22 में ही ये जोनल कमांडर बना। तो जो मध्य जोन है उसका नॉर्थ सब जोन का ये पहले सब जोनल कमांडर था, फिर ये अभी जोनल कमांडर 22 नवंबर 22 में ही इसको बनाया गया है। इसके साथ जो पकड़ा गया है उसका नाम है कुंदन यादव उर्फ लल्लन यादव और ये रहना वाला है बरवा डोरी गाँव का थाना ये हरिहरगंज जिला पलामू वहाँ का रहने वाला, और जो अभिजीत यादव है ये रहने वाला है गांव तलैया थाना छतरपुर जिला पलामू, ये वहाँ का रहने वाला। तो इसका मेन जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो चतरा पलामू औरंगाबाद और गया है गया रहा है। तो इसमें बहुत सारे केसेस, तकरीबन 15 के करीब केसेस गया में हैं, 3 दर्जन से ऊपर केसेस इसके ऊपर औरंगाबाद में हैं, अन्य केसेस चतरा और पलामू में है। तो टोटल अभी तक जो हमको हिस्ट्री मिल पाई है वो 61 केसेस हैं जिसमें ये वांटेड था, ये कभी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो ये इतने जो केसेस में है घटनाएं लगातार सभी जगहों पे कर रहा था लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया था, जिसके चलते इसके ऊपर इनाम भी डिक्लेयर हुआ है। मुख्य घटना क्या क्या इन्होंने किया? इसमें 2016 में एक घटना इसने किया था जिसका के औरंगाबाद में इसका केस दर्ज हुआ था, तो 7 लोगों को IED से 6 लोगों को उसमें शहीद हुए थे, डिबरा थाना अंतर्गत वो केस दर्ज हुआ था काला पहाड़ में, ये घटना हुई थी 2016 में। हाँ, 7 जवान उसमें शहीद हुए थे, 2016 की घटना है और अन्य भी बहुत सारी जो संगीन और नक्सली घटनाओं में ये शामिल रहा है, जिसका सबका हमारे पास अभी केस डिटेल तो है,
बाकी जो है इसके अभी पूरा अन्य भी जो है क्रिमिनल जो इतिहास है इसका निकाला जा रहा है। बाकी जिलों से भी हम लोग संपर्क में, ये तो अभी तक जो हमको मिल पाया है क्रिमिनल हिस्ट्री उसके हिसाब से 61 केसेस में अभी ये वांटेड है। तो कितने इसके एमसीसी इसके अंदर में काम कर रहे थे फौज में इसके? तो अभी तो इनका जो ज्यादातर यहाँ से तो ये लोग अभी चले गए थे झारखंड के उस साइड, ये लोग इसके काफी कैडर्स अभी पकड़े भी गए हैं, लेकिन अभी भी जैसे ये स्पोटर भी है साथ में और इसका एक और मेन आदमी है जिसके संपर्क में है जो अभी वांटेड है, अमरजीत उर्फ लखन यादव, ये गड़ाई तरी गांव का है, बारा चट्टी थाना में पड़ता है, वो भी इसका एक जो है इसी के संगठन का है, तो उसकी अभी पुलिस को तलाश है, उसी के संपर्क में होने की अभी सूचना मिली थी जिसके चलते ऑपरेशन चलाया गया है। गया क्या कोई बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए मैम यहाँ पर आए थे लोग? अभी तो यही था कि हथियार के साथ कुछ नक्सली के मूवमेंट की सूचना मिली थी कि कुछ लोग घूम रहे हैं और उसी में ये फिर ऑपरेशन चलाया गया था। तो अभी तो क्योंकि फोर्सेस की प्रेजेंस यहाँ पे काफी अच्छी और ऑपरेशंस भी बहुत बढ़िया से यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये घूम रहे थे तो अभी इसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि मेन क्या मकसद था इधर इनके आने था, तो इसके लिए अभी पूछताछ चल रही है।